सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। अगर वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बता दिया करें, ठीक है। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन। हमने यहाँ पर पैसेज इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो आपका पाँचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपका जो मिस स्पेल्ड का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। एक मिस स्पेल्ड पूछा जाता है आपका, उसमें देखिए चार वर्ड दिए गए होंगे आपको, और आपको बताना है कौन से वर्ड में मिस स्पेल्ड है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे आपके पास सरफेस होगा, उसमें आपको बताना है कि कौन से वर्ड में एरर है, ठीक है। तो आपने देखा डिसकॉर्टियस जो आपका वर्ड है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, डिसकॉर्टियस वर्ड बिल्कुल सही है। जो आपका इंट्रेपिड है, इंट्रेपिड भी आपका बिल्कुल सही है, और फैसिलिटेट भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका मॉन्स्टेरस वर्ड है उसमें एरर है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है MONSTROUS, मॉन्स्टरस होता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपकी एरर है, तो उसे सही कर सकते हैं आप, ठीक है। और फ्रेंड्स जितने भी जो भी सारे सपोर्ट करें, जो भी फ्रेंड्स मेरे, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो से रिलेटेड यार अपने एग्जाम को लेकर कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उस आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, छठा क्वेश्चन आता है कि सिनोनिम्स ऑफ हैम्पर, हैम्पर का यहाँ पर हमको सिनोनिम्स बताना है। अब देखिए, हैम्पर का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, हैम्पर होता क्या है, आप बताइए अच्छा मेरे को, क्या होता है हैम्पर। फ्रेंड्स, आपका जो हैम्पर वर्ड है उसका मतलब होता है अटकाना या रोकना, क्या होता है, अटकाना या रोकना, ठीक है। आप किसी को अटका रहे हो रास्ते में या रोक रहे हो, तो अटकाना या रोकना हैम्पर का अर्थ होता है, क्या होता है, अटकाना या रोकना, ठीक है। इसकी बजाय फ्रेंड्स आप अगर हिंडर कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो तो बाधा डालना या उलझाना, ठीक है, अटकाना रोकना बाधा डालना, ठीक है। तो इसके बजाय हिंडर कर रहे हो तो ये भी क्या कर रहे हो, अटका रहे हो किसी को, रोक रहे हो, तो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका हैम्पर का, यहाँ पे सी ऑप्शन हिंडर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हिंडर, ठीक है। तो सिनोनिम्स ऑफ हैम्पर हिंडर। सेवेंथ क्वेश्चन में आपका एक एंटोनिम्स पूछा जाता है आपका, एक एंटोनिम्स बनता ही बनता है, ठीक है, कभी कभी दो पूछ लेता है बट एक तो कन्फर्म है, बनता ही बनता है। देखिए, एंटोनिम्स बताना है आपको लाउड लाउडेबल का, ठीक है, LAUDABLE, लाउडेबल का अर्थ क्या होता है ये जान लें। लाउडेबल होता है आपका प्रशंसनीय, क्या होता है, प्रशंसनीय, ठीक है। अब इसका हमको एंटोनिम्स बताना है, यानी कि उल्टा होता है एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड का, इसका एंटोनिम्स हो गया आपका निंदनीय या दोषी, यानी कि ब्लेम वर्दी, ठीक है, ब्लेम वर्दी इसका एंटोनिम्स हो गया, ब्लेम वर्दी। कोई प्रशंसनीय होने की बजाय ब्लेम वर्दी है तो वो कैसा है, निंदनीय है या दोषी है, ठीक है। तो आप लाउडेबल बनिए ना कि ब्लेम वर्दी, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सेवेंथ का सही हो गया ऑप्शन ए। अच्छा बताओ, चेंज द वॉइस, वॉइस कौन सा होगा, इसमें आपको 2 सेकंड मिलते हैं, बताइए। देखिए, आपने देखा यहाँ पे आई लेट हिम एंटर द रूम, आई लेट हिम एंटर द रूम, तो अच्छा ऐसे आप पूछ रहे होंगे सर ये कैसे होगा, तो बेटा मैं बता दूँ, देखिए आपका जो ही हिम है, हिम को आप सब्जेक्ट बनाएंगे उधर से, ठीक है, तो हिम का क्या हो गया ही। अब आपने लेट से आपको पता पड़ गया कि आई लेट हिम, यानी कि लेट से आपको पता पड़ गया पास्ट इन्फिनिट का, ठीक है, तो पास्ट बाज आता है यहाँ पे, तो ही वॉज हो गया आपका, और जो लेट है उसकी जगह पे लेट रहा, ठीक है आपका, और एंटर की जगह फ्रेंड्स आपका एंटर का एंट्री रहा, लेकिन जो आपका द रूम है उसको हमने द रूम किया, उसके बाद हमने किया बाई मी, ठीक है, बाई मी क्यों किया, क्योंकि जो आई है ये अगर इधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई में होता है हमेशा, क्या होता है, बाई में होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सही गया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नरेशन है, यहाँ पे नरेशन पूछा गया है, आई सेड टू हिम डू नॉट गो अवे, आई सेड टू हिम डू नॉट गो अवे, तो ठीक है इसका क्या हो गया, आई टोल्ड हिम नॉट टू गो अवे, लेकिन ऐसे नहीं बनता, इसमें टोल्ड मत लगा देना, ठीक है, आपका ये गलत हो जाएगा अगर आपने टोल्ड लगा दिया। इसमें करना क्या है, आई टोल्ड हिम नॉट टू गो अवे, ठीक है, आई टोल्ड हिम नॉट टू गो अवे, टू नॉट गो अवे गलत हो जाएगा आपका, जो सही होगा वो होगा आई टोल्ड हिम नॉट टू गो अवे, लेकिन जो सबसे परफेक्ट बैठता है फ्रेंड्स वो बैठता है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे आई फॉरबिड हिम
नॉट टू गो अवे, आई फॉरवर्ड हिम, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। तो आपका जो सबसे अच्छा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, आई फॉरवर्ड हिम नॉट टू गो अवे। वैसे आपने अगर ये सेंटेंस में नहीं होता तो डी किया होता, आई टोल्ड हिम नॉट टू गो अवे, तो वो भी आपका सही होता, बट सी है यहाँ पे, तो प्रीफ्रेंस सी को मिलेगी यहाँ पे, आई फॉरवर्ड हिम नॉट टू गो अवे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए फ्रेंड, 10th क्वेश्चन आता है आपका, इसमें एरर डिटेक्शन बतानी है कौन से पार्ट्स में एरर है। ठीक है, अब एरर वाले क्वेश्चन देखिए सर जी, एक बनता ही बनता है, एक से दो क्वेश्चन तो आपको एरर निकालना आनी चाहिए। बेसिकली आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सारी एरर्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जितनी सारी एरर्स आती हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जैसे द लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपकी एरर होगी वो है इसके पार्ट में, कौन से पार्ट में है, द लिटिल टैक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या है, द लिटिल टैक्ट की जगह पे अ लिटिल टैक्ट होगा, क्योंकि लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है, और द लिटिल जो टैक्ट है आपका वो थोड़ा सा ही तो होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड द लिटिल की जगह पे अ लिटिल का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, अ लिटिल टैक्ट का यूज किया जाएगा, अ लिटिल टैक्ट का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 11th क्वेश्चन आता है, प्लूरल ऑफ स्टोरी, स्टोरी का यहाँ पे प्लूरल पूछा गया है, तो स्टोरी का प्लूरल क्या है, यहाँ पे स्टोरीज हो जाएगा, लेकिन ये गलत, देखिए मीनिंग इसमें गलत दे दिया है, स्पेलिंग जो बुक है उसमें गलत है, STORIES ये आपका प्लूरल होगा स्टोरी का। ठीक है, STORIES होगा, ना कि ऐसी। ठीक है, तो इस स्टोरी का प्लूरल पूछा गया है आपको, क्या लिखना है, STORIES। ठीक है, 11th का यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 12th क्वेश्चन होता है एडजेक्टिव ऑफ टॉक, टॉक का यहाँ पे आपको एडजेक्टिव पूछा गया है, तो 12th का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, टॉकेटिव। क्या होगा, टॉकेटिव, टॉक का यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, टॉकेटिव होगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 13th क्वेश्चन आता है पास्ट फॉर्म ऑफ स्विंग, स्विंग का यहाँ पे आपको पास्ट फॉर्म बताना है, तो स्विंग का जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा यहाँ पे आपका 13th का जो सही आंसर होगा वो होगा स्वंग। ठीक है, स्विंग की स्वंग, स्वंग पास्ट फॉर्म भी स्वंग होता है इसका, स्विंग का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्विंग, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए 14th क्वेश्चन है आपका एनिमल विच लिव इन वाटर, ऐसे फ्रेंड्स वन वर्ड पूछा जाता है जिसमें एनिमल्स, ऐसे जानवर विच लिव इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अच्छा बताइए क्या कहते हैं उन्हें, सर जी उन्हें कहते हैं एक्वाटिक, एक्वाटिक कहते हैं, यानी कि AQUATIC, एक्वाटिक कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, एक्वाटिक। एनिमल विच लिव इन वाटर क्या कहते हैं, एक्वाटिक। अब देखिए 15th क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा वर्ड है, उसमें आपका अ मेयर्स नेस्ट, अ मेयर्स नेस्ट यानी कि फ्रेंड्स ऐसा, यानी कि जो फालतू के आविष्कार करे, ऐसे आविष्कार जो बोगस हो, यानी कि बेकार हो, बोगस होता है आपका बेकार। ठीक है, तो अ मेयर्स नेस्ट इसका मीन्स होता है अ फाल्स इन्वेंशन, क्या होता है, अ फाल्स इन्वेंशन, यानी कि ऐसे आविष्कार जो कि बिल्कुल गलत हो। ठीक है, जो आपके आविष्कार किए गए हैं वो गलत हो, तो अ फाल्स इन्वेंशन होता है अ मेयर्स नेस्ट, अ मेयर्स नेस्ट आपका क्या होता है, अ फाल्स इन्वेंशन होता है आपका, अ फाल्स इन्वेंशन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स सोलेमा वर्ड आप यहाँ से याद करिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए यहाँ पे आपको सोलेमा क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, तो आई आई स्लैश माई एक्सरसाइज बाई देन, तो देखिए आपने देखा होगा डैश की जगह पे क्या आया गया, ये आपसे पूछा गया है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, आपको पता पड़ गया कि ये कैसा है, एक्टिव वॉइस दिया था, पैसिव वॉइस है, कैसा है, पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस में ब्लैंक में आपको पता है कि सेल को सेल हैव बीन सेल हैव में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल दो में दे रखी है, एक इसमें और एक इसमें, लेकिन सेल भी तो जब ही आता, जब ING फॉर्म होती तब सेल भी आता, लेकिन सेल हैव आया क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का था। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का था, तो फ्यूचर कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट में बना, तो उस ये यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल हैव रिटर्न। ठीक है, सेल हैव रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, सेल का फ्रेंड सेल भी हो जाता है, लेकिन जो सेल दे रखा होता है सिंबल उसकी जगह पे सेल हैव हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, और इसमें आपका 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल हैव रिटर्न। ठीक है, अब देखिए 17th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द वेदर स्लैश डैश 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 आई वेंट आउट, तो 17th का जो सही आंसर होगा
वो फ्रेंड्स होगा द वेदर बीइंग फाइन। ठीक है, बीइंग फाइन क्यों लगाया सर जी, क्योंकि ये क्या था एक, ठीक है, द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट। तो 17 का ये जो यहाँ पे सही बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दिया करें। ठीक है, अगर आपकी समझ में भी ना आता हो तो भी बता दिया करें। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, बाउंस मेड बाई एक्स आएगा या सॉड आएगा, स्टील आएगा या वर्ड्स आएगा। तो देखिए बाउंड मेड बाई वर्ड्स होता है, बाउंड बंधे हुए होते हैं वर्ड्स से। ठीक है, बाउंड्स मेड बाई वर्ड्स आर हार्ड टू हील। तो बाउंड मेड बाई वर्ड्स ये आपका क्या है, एक तरह का इडियम्स है। ठीक है, तो याद होना चाहिए इस तरह की। ठीक है, देखिए लोकाक्तियाँ यानी कि कहावतें जिसे बोलते हैं हम, वही है यानी कि फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स जितने में आपको याद होनी चाहिए, फ्रेजल वर्ब भी है एक बाउंड मेड बाई वर्ड्स, तो ये फ्रेजल वर्ब है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन पूछा गया है, ही हैज़ नो स्क्रपल। स्क्रपल के साथ आपको प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी आएगी। तो स्क्रपल जो आपका वर्ड है उसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी इन। ठीक है, ही हैज़ नो स्क्रपल इन बिगेनिंग। ठीक है, ही हैज़ नो स्क्रपल इन बिगेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 20 क्वेश्चन है, दो ही इज सफरिंग फ्रॉम मच पेन डेड डेडेस ही डज नॉट कंप्लेन। तो 20 में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये आपका कंजेक्शन से क्वेश्चन है, और दो के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है, येट का। अल दो के साथ में और दो के साथ में हमेशा येट का यूज किया जाता है। तो पेन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वाई ई टी, येट। तो दो ही इज सफरिंग फ्रॉम मच पेन येट ही डज नॉट कंप्लेन, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशा के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। फिलहाल ओनली 5 क्वेश्चन जो हमारे उससे आते हैं, ठीक है, पैसेज से, वो हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो आप बता सकते हैं अगर आप पैसेज भी करना चाहते हैं तो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।